नहीं भाई बहनों, जब हम श्रद्धेय माता जी को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी उनको संस्कार माँ से मिले थे, पहली शिक्षा जो माँ से मिली थी, उस शिक्षा का परिणाम है कि एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने माँ भारती को समर्पित किया। मैं उस दिन जिस दिन उनका देहांत हुआ, देहावसान की उनका समाचार मिला, मैं कलकत्ता में था और कलकत्ता में हमारी नमामि गंगे को लेकर पांच राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के अनेकों विभागों के मंत्री वहां पर थे और प्रातःकाल 6 बजे जब ये समाचार मिला तो ऐसा लगता था कि अब ये बैठक आज हमारी नहीं हो पाएगी। भाई बहनों 8:30 बजे मैंने भी फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप सब लोगों के लिए है कि आप सब लोग वहां से ना आए और तय समय पर आपकी बैठक होगी। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे और देखिए 10:30 बजे उनके सारे संस्कार वो पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री जी ठीक 11:15 पर कार्यक्रम में उपस्थित हो। इतना बड़ा जीवन का कष्ट, यानी कि इससे हमारे सामने एक बात बिल्कुल स्पष्ट आ जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया है कि एक पल गवाए बिना, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक एक एक समय का सदुपयोग करना है और देश को समर्पित करना है। आप सोचिए कि कितना कठिन रहा होगा, मैंने देखा था उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने हम सबकी बैठक में प्रतिभाग किया, यानी कि एक तरफ पुत्र धर्म और एक तरफ राष्ट्र धर्म, दोनों धर्मों का निर्वाह करने का काम और समाज और देश को एक नया उदाहरण देने का काम। इतनी कठिन परिस्थिति में भी सामान्य होकर, सहज होकर सब कामों को आगे बढ़ाना, और उन्होंने अपना संबोधन भी जानते हैं क्या किया, अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत परेशानी, इसके अलावा ज्यादा नहीं बोला मैं, इतना बोलने के बाद कि मैं वहां आप सबके बीच में उपस्थित होता लेकिन व्यक्तिगत परेशानी के कारण मैं वहां नहीं आता। उसके बाद सारा का सारा उन्होंने जो है जो रोड में गंगा जी को लेकर बनाया हुआ था, जिन पर काम होना था, जो आगे का विजन था, वो उन्होंने हम सबके सामने रखा। भाइयों बहनों, मैं एक बात इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय हीराबेन बा की शताब्दी यात्रा निसंदेह एक संपूर्ण यात्रा रही है और उनकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव ईश्वर के श्री चरणों में होगा। वहां से भी उनका आशीर्वाद न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को, हम सबको भी सदा सर्वदा हमेशा वहां से मिलता रहेगा। जो उनके मन में अभिलाषाएं, इच्छा थी, उनके स्वप्न थे, उन सपनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे होगा। मैं आज परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिव्य आत्मा को, पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस जो कष्ट है, जो कि जीवन की एक रीति है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अपनों को अपने बीच से कोई अपना चला जाता है तो निश्चित रूप से कठिन समय होता है, काफी कष्टकारी होता है। इस जो कष्ट का समय है उनके सभी आत्मीयजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुख की घड़ी में संपूर्ण देवभूमि की जनता, सभी हमारे आचार्यगण, सभी आचार्य सभा, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि सभा की है। मैं यही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण उत्तराखंड इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं पुनः स्वर्गीय माता जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कि भगवान परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीयजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।